अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे कपकेक कस्टर्ड। तो चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। उससे पहले आप अपने एक छोटे से भाई का काम करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा कि मेरा नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो चलो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। दो मैंने कप दूध के ले लिए, चार मैं खाने के चमचे चीनी ऐड कर रहा हूँ इसमें। दो चम्मच आपने वनीला कस्टर्ड ले लेना है। अब इसको मैं हाफ कप ठंडे दूध में ऐड कर दूंगा। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये जो डली बनी हुई है आपने ये नहीं बनने देनी। ऐसे बिल्कुल आपने जो कप के नीचे चिपक जाता है आपने उसको भी ऐसे अच्छे तरीके से चम्मच चलाते रहना है कि वो नीचे से छूट जाए। देखिए ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। तब इसको मैं दूध के अंदर ऐड कर दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता अपने ऐड करना और चम्मच चलाते जाना। हमने इसको जब तक ये गाढ़ा नहीं रहता तब तक हमने इसको हल्की आंच पे पका लेना है और आपने तब तक चमचा हिलाते रहना। चमचा नहीं आपने छोड़ना हिलाना जब तक ये गाढ़ा नहीं रहता, तब तक आपने चमचा हिलाते रहना इसमें। ये देखें माशाल्लाह ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखें हमने इसके अंदर इसको हमने और गाढ़ा करना है कि और अच्छे तरीके से पक जाए। आपने इस तरह चमचा हिलाते रहना कि नीचे ना लगे। जितना इसको मैंने गाढ़ा करना था ये उतना हो चुका है। तब मैं चूल्हा बंद कर दूंगा। इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं अपना। प्यारा सा मैंने बर्तन ले लिया और मैंने चार कपकेक ले लिए और तीन मैंने रियो बिस्कुट ले लिए। अब मैं इसके 4-4 पीसेस कर लूंगा कपकेक के। अब इसको हम इसमें सेट कर लेंगे अपने। हम इसको सेट कर लेंगे। इस तरीके से आपने इनको सेट कर लेना है। अब हम दूसरे भी इसी तरह रख लेंगे। इसको हमने कर लिया अच्छे तरीके से सेट। कस्टर्ड हो गया हमारा ठंडा, तो अब इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे। इस तरीके से आपने सेट कर लेना है। अब इसके ऊपर मैं बिस्कुट ऐड कर दूंगा।
इनको डुबोना नहीं है, जरा खड़े खड़े रखने हमने। अब इसके ऊपर मैं वेफर सेट कर लूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और प्लीज़ ये आज की जो मेरी रेसिपी है ये बच्चों के लिए स्पेशल है, क्योंकि ये चीज़ें सारी घर में अवेलेबल होती है, तो आप बच्चों को बनाएं और खिलाएं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।